रुक जाओ, वो आ रही है बंदा नहा लेता है। हाँ जी, तो भाई सलाम अलैकुम हो गया भाई आप सबको, और अभी तो नहीं, नमाज के बाद ही आप सबको करेंगे भाई, जो करते हैं। ठीक है, आज वैसे भी बड़ा ख़ास दिन है भाई आप सब मुसलमानों के लिए और हम जैसों के लिए। ठीक है कि भाई आज ईद का दिन है भाई। अच्छा ठीक है, तो अभी सुबह के भजन सवा छः साढ़े छः हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नमाज भी पढ़नी है, नमाज का भी टाइम हो रहा है भाई आपका, नहा के जो है ना फुल टाइम चिकना बन चुका है। ठीक है, माशाल्लाह नजर आने लगे, ऑफ कोर्स टॉप जी निकल। तो ये कि भाई मुझे नहीं पता साहब ने पता नहीं आप सबको भाई अपडेट दे दी है, सलाम दुआ कर ली कि नहीं की। खैर मैंने तो अपना कर दिया पार्ट, अब ये है कि भाई जान लेट हो रहा हूँ, बाहर चार मनाते जो ठीक है, फिर उसके बाद निकलते मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ते और फिर आपसे मिलते हैं नमाज के बाद। हाँ जी, सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। भाई आपका भाई जो इस टाइम सुबह सुबह उठ गया, क्योंकि थोड़ी सी देर है ईद की नमाज होने में। मैं अभी किसी को नहीं ईद मुबारक कह रहा, क्योंकि अभी भाई उस फील में, उस लुक में नहीं है। तो ये कि बकरे वगैरह जो है वो हमने रात को जो है गली के बाहर ही बांध दिए थे, क्योंकि सबके बकरे वगैरह जितने थे वो सारे उधर ही बंधे हुए थे, गार्ड वगैरह था, तो इसलिए हमने वही बांध दिए। तो अभी जो है आपका भाई जा रहा है बकरों को खाना वगैरह डालने और कुछ टाइम उनके साथ गुजारने, क्योंकि ईद की नमाज के फौरन बाद जो है कसाई ने आ जाना और फिर कटा कट शुरू हो जाती है। जी भाई, तो ये रहे हमारे माशाल्लाह से दोनों प्यारे से बकरे, और ये एक पता नहीं क्या अथरा बैठा है भाई, हर वक्त आके मारने की पड़ी रहे। दादा पुत्र बन जा, तू मनु नहीं जानता, मैं तुम्हें पाड़ के रख देगा तुम। उनको खाना डाल दिए, पीछे भी एक बैठा एक बकरा, तो ये अब खाना खाएं, इसके बाद जो है हम भी जाते हैं, तैयार होते हैं जाके नमाज शमाज फिर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कसाई का बात है, क्योंकि टाइमिंग तो उसने दी थी कि नमाज के फौरन बाद ही आएगा, लेकिन आपको पता है दिस इज़ पाकिस्तान, कभी भी अपनी बात पे पूरा उतरते नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे वो टाइम पर आ जाएं। तो ये तब तक के लिए जो है खाना शाना खाएं, तो फिर बाकी आपको अपडेट देते हैं। ठीक, खूबसूरत आदमी यार ये बंदा, मतलब पहचान ही नहीं जा रहा भाई। अच्छा ठीक है, यार अब तूने ऐसा हुसन क्यों नवाजा, क्या हो गया भाई? सच बोल रहा हूँ जी, तो आपका भाई रेडी शेडी हो गया फुल टाइम, पर मुझे समझ नहीं आती भाई मेरी ब्लैक के साथ क्या ऑब्सेशन है, कि जब भी ईद आती है मेरा दिल यही होता है कि मैं जो है ब्लैक पहनूं। तो ये आपके भाई ने फिर से ब्लैक कुर्ता बनवाया और फिर से पहन लिया, और पीछे जो है 10 मिनट रह गए नमाज में, तो इससे पहले हमारी नमाज जाए फिर हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है उठने का। तो ये कि हम निकलते हैं टूवर्ड मस्जिद, वहाँ जाकर जगह ढूंढते हैं, क्योंकि जगह ढूंढना ही बहुत मुश्किल होता है, वो भी एक मिशन होता है हमारे लिए। तो ये जाकर जगह वगैरह ढूंढते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं, फिर जो है फुल कसाई मोड में जो है अपने कपड़े चेंज करते, तो आपको फिर मिलते हैं ईद की नमाज के बाद। ईद की नमाज के बाद मैं मुबारकबाद दूंगा, अभी भी नहीं देनी मेरी, तो सब्र रखें और दिल को थाम के रखिए। तो ओके, लेट्स गो। जी सो आपका भाई जो है ईद की नमाज पढ़ आया, तो और आई एम रियली डिसअपॉइंटेड भाई, के जिस चीज़ का डर था आपके भाई ने आज फिर से वही हरकत कर दी है, कि हालांकि हम लोग सब भी बचपन से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं था कि इस गलती का इंकशाफ होगा, लेकिन हो गया। हालांकि मैं ऑल द टाइम इधर उधर देख रहा था कि भाई अब जो है आगे अगला स्टेप क्या है, नीचे जाने के सजदा वगैरह करना है, लेकिन फिर से गलती हम कर बैठे हैं। तो ये कोई नहीं, इंसान से गलती होती है और गलती से इंसान सीखता है,
तो कोई नहीं, मैंने भी गलती से एक आप लोग के साथ मजाक कर दिया है, तो भाई कोई नहीं, हमने पूरी प्रॉपर नमाज पढ़ी है। बाय द वे आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए जिसकी। अभी तो पता नहीं, सारी जाहिर सी बात है अभी घर आए हो तो ज़रा शीर खोर में चलेंगे, फुल टाइम है। नाश्ता वगैरह तो अभी पता नहीं क्योंकि अभी कसाई ने आ जाने, लेकिन देखते हैं कब तक आता है। तो जैसे ही आएगा तो इन जानवरों को अल्लाह की राह में कबूल करेंगे, तो फिर आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग भी बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है, तो बाद में आपको बाकी अपडेट्स देता हूँ। इनको एकदम से पता नहीं क्या हो गया, लोग को लेकर जा रहे कसाई के पास और ये जो है भागी भागना शुरू हो। ओए रुक जाओ, ओए भाई, लगता है इन लोग को खबर हो गई है कि इन लोग का टाइम आ गया। तो ये रहे भाई, कहाँ भागोगे अब? एक गबरू भी भाग रहे हैं और डोडो दोनों भाग रहे हैं। हाँ जी, इनके नाम हम लोग ने कल डिसाइड किए थे मिलके, एक का गबरू। हाँ तो ये थका दिए इन्होंने, अब चलते हैं जाके कसाई के पास, जाके फिर वहाँ के सीन आपको दिखाते हैं। चलो जी, इनके तिक्का बोटी खाएंगे बना के, फुल बारबेक्यू चलने भाई अब इसके बाद। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गोश वोश वगैरह सारा हो गया था, लेकिन मैंने दिखाना पसंद नहीं किया क्योंकि अजीब सा फील होता है हर बंदे को। तो ये कि गोश वगैरह बांटने के बाद अब जो है बाकी जो थोड़े एक दो रिश्तेदार हैं उनको भी देने जाना है। तो अभी तो मैं अब्दुल्ला की तरफ आया हूँ, फैमिली को तो छोड़ना था, तो अब्दुल्ला साहब का वेट हो रहा है, जैसे ही वो आते हैं तो देखते हैं। बाकी आप लोग सब बताएं आप लोग की कैसी जा रही है। हमारी तो फिलहाल बहुत थकावट वाली गई है भाई, सुबह से जो है अपना फुल टाइम अलाट टाइट हुए थे क्योंकि एज यूजुअल कसाई ने जो है फिल्म करवा दी थी पहले। तो बिल्ले कभी नहीं चल। सलाम अलैकुम, ईद मुबारक भाई। यार बाहर आके मिलो, नहीं इस तरह ईद नहीं होती। चल यार आ गई, क्या मैं पागल हूँ अपना टाइम वेस्ट करूँ? अपने तुम ये उठाओ एंटिटी को। ये लो भाई, ईद मुबारक भाई जान, ईद मुबारक, ईद मुबारक। वो आ रही है बंदा ना हालत है यार, काम शाम होते हैं भाई। तो ये काम शाम से क्या मतलब है? ना आना नहीं भाई, नहाते धोते हैं, तुम्हारा गोश्त मैंने रखा हुआ है। चलो बेटे काम फिर पड़ गया क्या? आगे और माम को कोई दिन जाना है तो बैठो, तो तुम्हें तो चलो मैं बाद में दे दूंगा। तो खैर अब ये कि यार आगे और लोगों को जो है गोश्त बांटने जाना है क्योंकि ये काम तो जिंदगी के साथ चलते रहेंगे। जिंदगी के साथ नहीं बजा, ये नेकी का काम है। ये सुनना था कि लोगों को गोश्त बांटना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये है बेशक, तो आप तो हम शक्ल से बेहतर शैतान है लेकिन अंदर से भाई बहुत नेक लोग। तो ये आपसे रास्ते में चला तो यार मिलने तो दे उनसे थोड़ी देर के बाद, मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कल मिलने तो अच्छा ठीक। फाइनली सारे काम शाम हो गए भाई, फुल टाइम भाई इस टाइम डेड हो चुका है। बिल्कुल हालत नहीं थी एंडिंग करने की, लेकिन करनी पड़नी थी। खैर ये कि आज ईद का फर्स्ट डे है, वो रैप अप हो गया, तो इसी के साथ व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। एक बार फिर ईद मुबारक, और भाइयों को सबको हमको दुआओं में याद रखेगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।